नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। हम बात करेंगे सुर्खी विधानसभा की मतगणना की। मतगणना में जो क्षेत्र कांग्रेस का हुआ करता था, वहां भूप गोविंद सिंह राजपूत जो भारतीय जनता पार्टी के मुबलक बनाए, कहाँ चूक हो गई बेगम, क्या शिकायत की है आयोग से? नहीं, इस समय तो एक ही शिकायत जो हमारे सामने आई थी कि 48 नंबर की जो एक मशीन है उसका जो नंबर फॉर्म 17 जब हम पोलिंग जब रहता है, वोटिंग होती है, उस समय सभी पोलिंग एजेंट्स को एक फॉर्म नंबर 17 दिया जाता है। उसमें सारी जानकारियां, मशीन नंबर और कितना वोट गिरा है, इस तरह से जानकारी सब दी जाती है। तो उसे जब मिलान हुआ तो एक मशीन में गड़बड़ी पाई गई कि उसका नंबर थोड़ा बदला हुआ है, मशीन नंबर जो उस समय उसमें लिखा हुआ था, और उसकी शिकायत हमने लिखित की है और लिखित जवाब मांगा है। क्या लग रहा है मैडम, जिस अंदाज में ट्रेंड आ रहे हैं, पब्लिक आपके साथ खड़ी थी और आपकी वक्त तक खड़ी रही, तो कैसे क्या हो गया? देखिए, मैंने तो इस बार जनता की लड़ाई लड़ी थी और एक ही उद्देश्य ये रहा कि मध्य प्रदेश में ये पहली बार जो हुआ, इस बार जवाब जनता को इस तरह से देना चाहिए कि कम से कम आने वाले समय में कोई भी नेता किसी भी दल का इस तरह के काम ना करे जिसमें जनता के साथ धोखा हो, जनता का विश्वासघात हो। तो मैंने जनता के लिए आवाज़ उठाई थी, जनता की लड़ाई लड़ी। अब निर्णय अब आएंगे, अभी तो केवल 4 राउंड हुए हैं, टोटल 22 राउंड हैं, तो आप आगे देखिए, समय का इंतज़ार करिए। अभी जो सीओ रहा है, कैसे नगर है, क्या उम्मीद है? उम्मीद है जैसे नगर से। जी, शिकायत में और कुछ मिली है आपको, गड़बड़ी और बाकी सब ठीक है? नहीं, इस समय हमने जो हमें गड़बड़ी समझ में आई उसकी शिकायत हमने की है और लिखित जवाब भी मांगा है उसका। तो जैसे ही जवाब आता है तो फिर क्या जवाब दिया है। ये पारुल साहू जी थे और कांग्रेस प्रत्याशी हैं, लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हैं, लेकिन पारुल सीट कम करेंगी बल्कि कांग्रेस बढ़त बनाएगी। हालांकि उन्होंने शिकायत भी की है, शिकायत लिखित शिकायत की है, जब उसका जवाब आएगा उसके बाद ही वो कुछ उस बारे में कह सकेंगे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस की सुर्खी।